देश के खिलाफ सीरीज से पहले हार्दिक पांड्या बन सकते हैं रोहित की जगह टी20 टीम के कप्तान। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को मिली हार के बाद टी20 टीम की कप्तानी को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। खास तौर पर कहा जा रहा है कि टी20 टीम का कप्तान तो जरूर बदला जाना चाहिए, क्योंकि अगला टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला जाएगा और तब तक रोहित शर्मा 37 साल के हो जाएंगे। इस स्थिति में एक युवा कप्तान को लाए जाने की जरूरत है। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने तो खुलकर कह दिया कि टी20 टीम में कप्तान नया होना चाहिए, बेशक वो हार्दिक पांड्या ही क्यों ना हो। यही नहीं, अन्य कई दिग्गज भी रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी देने की वकालत कर चुके हैं। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा भारतीय टी20 टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। BCCI चयनकर्ताओं ने आम सहमति बना ली है कि ये वक्त बदलाव का है और टी20 टीम को नए सिरे से बनाए जाने की जरूरत है। अब इनसाइड स्पोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 और वनडे सीरीज से पहले भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। BCCI के सूत्र के मुताबिक रोहित शर्मा वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान रहेंगे। BCCI अधिकारी ने कहा कि देखिए, आम सहमति है कि बदलाव का वक्त आ चुका है। हम सभी को लगता है कि रोहित शर्मा के पास काफी कुछ है जो वो टीम को दे सकते हैं, और ध्यान ये रहे कि वो अब छोटे नहीं हो रहे बल्कि उनकी उम्र बढ़ रही। वही टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भी हमें अभी से तैयारी करने की जरूरत है और हार्दिक पांड्या कप्तानी की भूमिका के लिए पूरी तरह से फिट है। भारतीय चयनकर्ता अगले टी20 असाइनमेंट से पहले मिलेंगे और भारत के टी20 कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या के नाम की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या इस वक्त न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां वो भारतीय टी20 टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी संभाल रही है।